घेर लिया गया था, कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है। देखो किसान है तो इसलिए कोई किसानों पर कोई कार्रवाई करेंगे तो लगेगा किसानों पर हो गया। देश भर के किसान इकट्ठे नहीं है। गौर से सुनिए, ये है भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल जैन, जिनका कहना है कि किसानों का आंदोलन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सरकार इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इन पर बल प्रयोग हुआ है तो किसान के नाम पर पूरे देश में हल्ला मच जाएगा। जी हां, किसानों के आंदोलन पर अनिल जैन का तो यही कहना और सोचना है, लेकिन जैन साहब शायद भूल गए कि देश की राजधानी दिल्ली को आज लाखों किसान घेर कर बैठे हैं। सैकड़ों किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और ये किसान कोई एक प्रदेश के नहीं बल्कि इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों के अन्नदाता भी शामिल है। दरअसल अनिल जैन आज फरीदाबाद में एक श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने किसान आंदोलन को छोटा विरोध करार दिया। वहीं ये भी कहा कि इस आंदोलन में कोई देश भर का किसान नहीं है, यानी जब देश भर का किसान सड़कों पर उतरेगा तभी जाकर अनिल जैन मानेंगे कि वाकई किसान आंदोलन कर रहा है। घेर लिया गया चारों तरफ से किसानों, कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है। देखो किसान है तो इसलिए कोई किसानों पर कोई कार्रवाई करेंगे तो लगेगा किसानों पर हो गया। देश भर के किसान इकट्ठे नहीं है। सांसद महोदय कैमरे पर तो बोल दिए, लेकिन बोलने से पहले ये भूल गए कि इसी किसान आंदोलन के आगे उनकी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। पिछले 9 दिनों से हजारों किसान सड़कों पर डेरा डाले बैठे हैं। वो लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अनिल जैन का कहना है कि बॉर्डर जाम करके बैठे किसानों पर सरकार सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही ताकि किसानों के नाम पर हंगामा ना मचे। क्या कारण मानते हैं सर आज का जो किसान विरोध चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर इस समय पूरी दिल्ली को घेर लिया गया चारों तरफ से किसानों? बहुत बड़ा पैमाना नहीं है। देखो किसान है तो इसलिए कोई किसानों पर कोई कार्रवाई करेंगे तो लगेगा किसानों पर हो गया। देश भर के किसान इकट्ठे नहीं है इसमें। आप देखो ये देश किसानों से भरा पड़ा है। कुछ चंद हजार किसान पूरे देश भर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो कौन कौन लोग किस किस आंदोलन में रहे, मैं इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इस आंदोलन को कम तर आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। किसानों में अगर ये बात है तो किसी ने बरगलाया है या किसी के सेल्फ इंटरेस्ट हो सकते हैं। सरकार का एक ही मोटो है कि किसान की आय 2022 तक दोगुना हो, इसके लिए सरकार ने ये प्रयत्न किए हैं, उसको फैसिलिटी मिले, वो अपना सामान अपनी मर्जी पर अपनी रेट पर बेच सके। आज इसकी कारण से किसान को मार्केट ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मार्केट किसान के पास आ जाता है। किसान को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी, किसान को ले जाने लाने में छेदन भी नहीं होगी। तो इतने सारे फायदे हैं कि मैं फायदे गिना। वो कृषि कानून जिनके फायदे गिनाने की बात कही जा रही है, दरअसल उन्हीं कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली को घेर लिया। खैर ये तो सरकार भी जानती है कि किसानों का ये आंदोलन कितना मजबूत है, मगर जिस तरह से किसानों के आंदोलन को लेकर कभी खालिस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है, कभी इसे सिर्फ पंजाब का बताया जा रहा है, इससे साफ है कि किसानों के इस हुंकार के चलते सरकार कितने दबाव में है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।